अगर आप भी एक ऐसा चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो जिसपे आप सिर्फ पोएम वाली वीडियोज अपलोड करो, कहने का मतलब ये है कि YouTube पे बहुत सारी पोएम्स की वीडियोज होती है जो कि खास करके छोटे बच्चे देखते हैं, जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, जैसे कि लकड़ी की काठी वाला हो गया, इस तरह के बहुत सारे पोएम्स हैं और उस पे मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि इस तरह के वीडियोज हम कैसे क्रिएट करें, कि कैसे हम सारी चीज़ें क्रिएट करें ताकि कॉपीराइट क्लेम भी ना आए, हमारी वीडियो भी अच्छे तरह से बन जाए। तो वो सब कुछ कैसे कर सकते हो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो एक पोएम वाला चैनल स्टार्ट कर सकते हो और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्मार्टफोन से कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें कैसे करनी होगी इस वीडियो में हम सीखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसके साथ साथ जो भी डिटेल्स मैं बताऊँगा पहले उनको बारीकी से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह के वीडियोज आप बनाने जा रहे हो तो कोई भी ऐसे स्टेप्स आपको नहीं लेने जिसके थ्रू आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक आए या फिर कोई कॉपीराइट क्लेम है, क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो फिर सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो चीज़ों को समझना है इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं पोएम्स की। तो देखिए, जो पोएम्स हैं, जो मान लीजिए कि कोई भी है यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है, जैसे लकड़ी की काठी वाला हो गया या फिर जो और भी बहुत सारे पोएम्स हैं, जो फेमस पोएम है आलू का चालू, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको अगर ये लगता है कि जो पोएम ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पे, उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, और आपको ये लगता है कि उसको अगर हम सेम टू सेम गा करके अपने वॉइस में अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट आएगा या फिर स्ट्राइक आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर सेम टू सेम फुटेज, सेम टू सेम वॉइस और सेम टू सेम बैकग्राउंड यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई भी पोएम है, कोई भी कविता है, उसको आप खुद से गाते हो, मतलब खुद की आवाज़ में उसको रिकॉर्ड करते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉपीराइट क्लेम वगैरह आपको आएगा, क्योंकि ये जो है मल्टीपल चैनल्स पे आपको अपलोड मिलेंगे अलग अलग फॉर्मेट्स में। दूसरी बात ये है कि ऐसे बहुत सारे पोएम्स हैं जिन पे अलग अलग टाइप्स के कंटेंट बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, और एक ही पोएम है जिसको अलग अलग चैनल्स ने अलग अलग तरीके से बना करके अपलोड किया हुआ है, जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, अगर आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। कैसे करोगे, पहले वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो भी पोएम आप सुन रहे हो, मान लीजिए कि यूट्यूब पे ही कोई पोएम है, वो फेमस है, कोई भी पोएम है, ठीक है, तो उसको आप सबसे पहले अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करोगे। अपनी आवाज़ में कहने का मतलब कि जिस तरीके से उन लोगों ने गाया है, अगर आप चाहो तो सेम उसी तरीके से गा सकते हो, लेकिन आवाज़ आपकी होनी चाहिए और जितना यूनिक आप बना सकते हो, मतलब कि बच्चों को अट्रैक्ट करे या फिर जो भी उस वीडियो के ऊपर क्लिक करे उसको वो अट्रैक्ट करे, तो इस तरीके से अपनी आवाज़ को बनाना है और इस तरीके से उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कर लिया, अब सेकंड स्टेप ये कि हमें चाहिए अच्छा सा एक बैकग्राउंड म्यूजिक। तो अगर आप ये सोचते हो कि जो पोएम वाली बैकग्राउंड म्यूजिक्स होती हैं ओरिजिनल वाली, सेम टू सेम वही आपको चाहिए, तो वो तो ऐसे मिलेगा नहीं, क्योंकि जिन चैनल्स पे वो चीज़ें होती हैं वो खुद उस चीज़ को क्रिएट करते हैं या फिर किसी के थ्रू बनवाते हैं, तब वो अपनी वीडियोज में यूज करते हैं, और आपको ऐसे ही सेम टू सेम वही बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो वो नहीं मिलने वाला, सिंपल सी बात समझ लो। तो इसके लिए आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में से बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढो, या फिर और भी बहुत सारे अदर वेबसाइट्स हैं उन पे जाओ और उस तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढो। सेम टू सेम नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलते जुलते मिलेंगे हल्के फुल्के, उन्हीं का आपको यूज करके अपनी वीडियो क्रिएट करना है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक वो यूज करते हैं सेम टू सेम, वो आपको नहीं मिलने वाला, और कहीं से उठा करके आप सेम टू सेम यूज भी करते हो तो फिर कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो ऐसी गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक हम कहाँ से यूज करेंगे, या तो यूट्यूब के ऑडियो लाइब्रेरी से, उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक अवेलेबल हैं, उनमें से आपको फाइंड करना है, या फिर मैंने एक वीडियो बनाई है कि कार्टून एनिमेशन वाली वीडियोज के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे हम ढूंढें, उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक से रिलेटेड सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, वो है वीडियो फुटेज या फिर इमेज, यानी कि जो भी हम पोएम वाली वीडियो बनाएंगे उसमें हम वीडियो फुटेज भी यूज कर सकते हैं या फिर गूगल से पिक्चर्स डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जो वीडियो फुटेज है, यानी कि जो एनिमेशन वाली वीडियो फुटेज है, उसको आप कैसे यूज करोगे, तो उसके लिए बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उनमें उस तरह के वीडियोज क्रिएट करके हमें यूज करने होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस लकड़ी के कांटी वाला जो पोएम है, अगर आप उसकी वीडियो बनाने जा रहे हो तो उसकी वॉइस आपने रिकॉर्ड कर ली, रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या किया, एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर लिया, ठीक है, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से या फिर किसी अदर वेबसाइट से जहाँ पर फ्री में बैकग्राउंड म्यूजिक अवेलेबल होते हैं, उसको डाउनलोड कर लिया। अब तीसरी जो चीज़ है वीडियो फुटेज की, तो बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन हैं उनमें ग्रीन स्क्रीन पे आप वीडियो फुटेज बना सकते हो, मतलब कि एक घोड़े का पिक्चर हमने ले लिया, उसको ग्रीन स्क्रीन पे लगा करके एक्सपोर्ट करके उस एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट करके हमने रख लिया, फिर इन सब को हम किसी भी मोबाइल एडिटिंग एप्लीकेशन में ले जा करके एडिट कर लेंगे,
ये पूरा प्रोसेस होगा पोएम बनाने का, तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको कि कैसे सारी चीजें करनी है। अब बात करते हैं कि जो पोएम का कंटेंट है यानी कि जो कविता है उसका कंटेंट हम कहाँ से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब पे भी आपको तो मिल ही जाएंगे, गूगल पे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे कविताएं आपको मिल जाएंगे बच्चों से रिलेटेड। इसके साथ साथ जो बच्चों के स्कूल के बुक्स हैं, जो उनकी हिंदी की बुक्स हैं, उनके इंग्लिश के बुक्स हैं, उनमें जो पोएम्स दिए हुए हैं, जो कविताएं दी हुई हैं, उनको भी आप रिकॉर्ड करके उनके थ्रू भी वीडियोज क्रिएट कर सकते हो। तो उनसे भी आपको कंटेंट फाइंड करना, मतलब कि बच्चों के जो बुक्स हैं उनका भी यूज करना है, वो नर्सरी के हो या फिर LKG UKG या फिर 1-2 जो भी क्लास के हो उनकी पोएम्स आप यूज कर सकते हो। तो अब आपको अपने लिए स्क्रिप्ट मिल गया, मतलब कि पोएम कविता मिल गई कि कहाँ से आपको कविताएं फाइंड करनी है। मान लीजिए कि आपको गूगल पे मिला या फिर यूट्यूब पे मिला, आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं तो उसको अपनी डायरी पे लिख लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जब हम उस कविता को रिकॉर्ड करें तो कोई भी लाइन हम ना भूलें। इस तरीके से आप अपने लिए कंटेंट फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात कविता वाली वीडियो के लिए वो ये है कि जो पोएम जो कविताएं होती हैं वो फीमेल्स की आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो फीमेल की वॉइस यूज करें, मतलब अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप इस तरह के चैनल को स्टार्ट करके इसके साथ जा सकते हो। या फिर आप मेल भी हो तो अपनी वॉइस को अट्रैक्टिव बना के सारी चीज़ें कर सकते हो, वॉइस को थोड़ा एडिट वगैरह करके। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह का चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप छोटे छोटे बच्चों से रिगार्डिंग कविताओं की ही वीडियोज बना रहे हो। जो आपने कभी पढ़ा होगा जैसे झांसी की रानी की कविता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। या फिर एक पोएम था, यह कदम का पेड़ अगर मैं होता यमुना तीरे, इस तरह के बहुत सारे पोएम्स पुराने बुक्स में हैं, हमने पढ़ी हुई हैं। अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो आप इस तरह के फाइंड्स करोगे ना गूगल पे तो आपको मिल जाएंगे। तो उन सब कविताओं की भी वीडियोज आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो कुछ यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हैं जो चल रही है सिर्फ आप उन्हीं की वीडियो क्रिएट करो, मतलब कि उनको अभी वीडियो बनाओ और जो चीज़ें अभी मैंने बताई बुक्स का यूज करके इनके ऊपर भी आपको वीडियोज क्रिएट करनी है। अब जब हमारी वीडियो बन जाएगी तो वीडियो बनने के बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का थंबनेल बनाना होगा, क्योंकि थंबनेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थंबनेल अच्छा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, तभी लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो एनिमेशन वाली कोई भी वीडियो हो उसके लिए थंबनेल कैसे क्रिएट करना होता है उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा कि थंबनेल कैसे बनाना है। अब बात करते हैं कि जो हमारी कविता है, जो हमारी पोएम है, उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, अपना स्मार्टफोन लिया, उस पोएम को देख करके बोल करके रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड हो गई। अब उससे रिलेटेड या फिर उससे मिलता जुलता हम बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक हमने डाउनलोड कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, उस पोएम से रिलेटेड पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं हम, जिफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ग्रीन स्क्रीन वाली जो एनिमेशन वीडियोज होती हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद इन सबको हम ले जाएंगे किसी भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में, काइनमास्टर, VN एडिटर, इनशॉट, किसी में भी, और ले जा करके इनको एडिट करेंगे और फिर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब वीडियो को हम एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। और जो बच्चों वाली वीडियोज होती हैं उनको जब हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो उनका अच्छे तरीके से SEO भी करना होता है, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधे स्मार्टफोन के स्क्रीन पे और वहाँ पे सब कुछ बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। जैसे कि मेरे पास देखिए ये एक बुक है, बालहंस, शायद आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो इस तरीके की बुक्स आपके पास भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब ये बुक है, मैंने इसमें चेक किया तो इसमें पोएम्स हैं, यहाँ पे देखिए एक पोएम दिया हुआ है, तो इस पोएम को हम क्या करेंगे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करेंगे सेम टू सेम पढ़ करके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपना स्मार्टफोन लेना है और हर स्मार्टफोन में वॉइस रिकॉर्डर दिया रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक वॉइस रिकॉर्डर दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इस वॉइस रिकॉर्डर के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप करना है, जैसे ही टैप करोगे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेड बटन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, रेड बटन पे मैंने क्लिक किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब ये जो पोएम है इस पोएम को मैं फ़ोन में बोल करके रिकॉर्ड करूँगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ सेम टू सेम। जैसे ये हमारा हो गया माइक, मतलब फ़ोन हो गया, ये फ़ोन का माइक हो गया। अब यहाँ पे है कि उमर घुमर कर आओ जी, काले भूरे बादल जी, जेट की तपती धरती पर रिमझिम वर्षा लाओ जी, गांव गांव की माटी में महक सौंधी महकाओ जी, खेतों में लहलहाए फसलों मन कृषक का हर्षाओ जी, सूख गए जो नदियां नाले जल से उन्हें भर जाओ जी,
वन विहार में लौटे रौनक वन में मंगल लाओ जी। नाचे मोर पपी है बोले मन बगिया का मुस्काओ जी। प्रकृति फिर लगे खिलखिलाने ऐसा रंग जमाओ जी। तो मैंने बस ऐसे ही रैंडमली बोल करके रिकॉर्ड किया है आपको बताने के लिए, बट आप जब रिकॉर्ड करना अपनी वॉइस को तो थोड़ा आराम से अच्छे से बोल करके रिकॉर्ड करना, ताकि आपकी वीडियो लोगों को अट्रैक्ट करे, उन्हें पसंद आए, ठीक है। तो आप आराम से रिकॉर्ड कीजिएगा, मैंने बस ऐसे ही रैंडमली रिकॉर्ड किया आपको बताने के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने जो अभी कविता रिकॉर्ड की थी वो बादल, बिजली, बारिश इन चीज़ों से रिलेटेड थी, तो हमें उन्हीं से रिलेटेड पिक्चर्स या फिर वीडियो फुटेज कुछ भी डाउनलोड करने हैं। मतलब कि हमारे पोएम के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसी से रिलेटेड हमें फ़ोटो, इमेज, वीडियो डाउनलोड करने हैं। तो एक वेबसाइट है Pixabay.com, ठीक है। इस वेबसाइट को हम गूगल क्रोम में ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करोगे ये देखिए Pixabay.com है, इस पर मैंने क्लिक किया हमने, ये इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो गई, आपके फ़ोन में भी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑल इमेज लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिएगा आप। यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो पे क्लिक करना आप। यहाँ से हमें फ्री में वीडियो फुटेज मिलती हैं। तो जो कविता हमने अभी रिकॉर्ड की है उसमें क्या है, बादल है। तो बादल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लाउड, CLOUD, क्लाउड लिखा मैंने, सर्च करा मैंने, ठीक है। अब सर्च किया मैंने तो देखिए क्लाउड से रिलेटेड कितने सारे वीडियो फुटेज हैं। तो इनमें से जो भी वीडियो फुटेज चाहो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो, ठीक है। इतने सारे हैं तो मैं इनमें से कोई एक डाउनलोड कर लेता हूँ अपनी वीडियो के लिए। मतलब एक भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर एक से ज़्यादा भी, जो जितना आपको पसंद हो उतना, मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो अलग अलग फुटेज डाउनलोड करो, उसको यूज करो। जैसे ये एक वीडियो फुटेज है, इस पर मैंने क्लिक किया, मतलब कि ये इसमें क्लाउड भी है और बारिश भी है, मतलब कि बादल भी है और बारिश भी है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे बटन पे प्ले बटन पे क्लिक करोगे तो ये प्ले होकर के दिखेगा भी आपको कि ये कैसा है, और इन वीडियोज में साउंड नहीं होती। यहाँ पे फ्री डाउनलोड बटन पे क्लिक करना आप, ये जो रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके देगा उसी को रखने देना है, चेंज नहीं करना। फिर डाउनलोड बटन पे आप सिंपल से एक बार क्लिक करना, ठीक है। डाउनलोड बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन इस तरीके से आएगा, यहाँ डाउनलोड बटन पे फिर से क्लिक करेंगे हम और ये फाइल हमारे फ़ोन के अंदर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। देखिए ये फाइल हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो गया, ठीक है। समझ गए आपके कैसे वीडियो फुटेज डाउनलोड करना है। मैं वीडियो में बैक में आता हूँ, फिर से बैक आ गया। अब यहाँ पे वीडियो मैंने डाउनलोड की थी, अब इसी पे मैं क्लिक करके फोटोज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लाउड सर्च करा था, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रेन, मतलब बारिश, रेन मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे फोटोज मैंने सेलेक्ट किया है, तो रेन से रिलेटेड यहाँ पे मुझे फोटो भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स भी आ गए, तो अगर मुझे ज़रूरत होगी पिक्चर्स की तो मैं पिक्चर्स भी यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ और उनको अपने कविता वाली वीडियो में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे बैक आ गया, यहाँ पे वीडियो पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो एनिमेशन वीडियोज, ठीक है, एनिमेशन वीडियो या फिर एनिमेशन बैकग्राउंड। देखिए एनिमेशन बैकग्राउंड पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए एनिमेशन वाले यहाँ पे बैकग्राउंड्स भी हैं, तो इनमें से अगर उस तरह के बैकग्राउंड्स की भी ज़रूरत हो आपको यूज करने की अपनी वीडियो में, तो उन्हें भी डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया था एनिमेशन बैकग्राउंड, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे मिटा कर लिखता हूँ एनिमेशन कार्टून, ठीक है, एनिमेशन कार्टून लिखा मैंने, उसको सर्च करा तो देखिए एनिमेशन वाली वीडियो फुटेज भी मिल गई। तो इनमें से मान लीजिए कोई वीडियो फुटेज ऐसी है जो आपके पोएम में यूज कर सकते हो, उनके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है, जैसे ये काऊ है, किसी वीडियो में आपको काऊ की ज़रूरत है तो उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए इसमें भी बादल है इस वीडियो फुटेज में, तो इसको भी मैं अभी जो मैंने पोएम रिकॉर्ड की थी उसमें इस वीडियो फुटेज को डाउनलोड करके यूज कर सकता हूँ। इसको मैं फ्री डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, ये वीडियो फुटेज डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। मैं बस स्टेप बता रहा हूँ आपको, करना अपने तरीके से, स्टेप समझ लो आप। यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके सेम उसी तरीके से इसको आप डाउनलोड कर लोगे। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, यहाँ पे होम पे मैं आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हो, यहाँ पे सर्च बॉक्स में हम आ गए। अब यहाँ पे जैसे बादल है, क्लाउड है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, क्लाउड जिप, GIF, जिप, ठीक है। सर्च करेंगे हम, सर्च करने के बाद यहाँ पे इमेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो जो जीप फाइल होते हैं वो ऑटोमेटिक एनिमेट होते हैं, ठीक है, एनिमेट होते हैं मतलब वो घूमते रहते हैं। जैसे मैं इस देखिए ये सारे देखिए अभी आपको दिख रहे होंगे, देखिए ये सारे जो हैं वो ऑटोमेटिक एनिमेट हो रहे हैं, हमें मेहनत ही नहीं करनी। तो जैसे मैंने इस पर डाउनलोड किया, इस पर मैंने क्लिक किया, अभी इसमें ये जो जीप फाइल है ये ऑटोमेटिक देखिए एनिमेट हो रहा है, इसको मैं डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज कर सकता हूँ। इस पर इस तरीके से टैप करना है अंगूठे से, ठीक है, उसके बाद डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे या उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसके नीचे भी देखिए बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे ये भी एक जिप फाइल है, ये भी है, जैसे ये है, ठीक है, इसमें भी देखिए बादल हैं, ये भी बादल यहाँ पे आपको अपने ऑटोमेटिक चलते हुए नज़र आएंगे, जो जिप फाइल रहेगा उसमें बादल चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो ये थोड़े से अलग चीज़ें हो गई। तो मतलब इसी तरीके से आपको जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं एक यहाँ पे सर्च बॉक्स में आता हूँ, लिखता हूँ रेन, ठीक है, रेन जिप सर्च करा मैंने, इमेज पे आया। अब देखिए इमेज पे आया, सर्च इसमें आया मैं, तो इसे यहाँ पे मुझे देखिए बहुत सारे जिप फाइल्स मिल रहे हैं जिसमें बारिश हो रही है, ठीक है। तो इसमें से किसी को भी मैं चाहूँ तो डाउनलोड करके यूज कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी आपके कविता का अकॉर्डिंग जो भी सही हो। जैसे ये वाला है, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे अंगूठे से दबाया मैंने, डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया और इसको डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो जिप फाइल है, जिप फाइल की वीडियो को अगर आप एडिट करोगे तो जिप फाइल सिर्फ पावर डायरेक्टर में एडिट होता है या फिर इनशॉट के अंदर एडिट होता है, ठीक है। और भी जो अदर एप्लीकेशन है उसमें आपको ट्राई करना होगा कि उसमें ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं। मैं होम पे आ गया, ठीक है। अब इसी में मैं सर्च करता हूँ, जैसे बादल था और उसमें जैसे गांव का भी सीन था, गांव की माटी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गांव या फिर विलेज लिखा मैंने, सर्च करा मैंने। विलेज जिप भी लिख सकते हो या फिर विलेज लिख करके विलेज बैकग्राउंड भी लिख सकते हो आप, विलेज बैकग्राउंड, ठीक है, विलेज बैकग्राउंड कार्टून, ठीक है, कुछ किसी भी तरह का बैकग्राउंड चाहिए उसके लास्ट में कार्टून लिखेंगे। मैंने लिखा विलेज बैकग्राउंड कार्टून, इमेज पे मैं आ गया। अब यहाँ पे देखिए गांव के कितने सारे बैकग्राउंड्स हैं, इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और इसको आसानी से यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे अंगूठे से दबाया मैंने, डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया और इस पे किसी भी तरह का कॉपीराइट वगैरह कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। कहीं पे कुछ भी लाइसेंस वगैरह कुछ भी लिखा हो उससे कोई इशू नहीं होता। अब इसको भी मैं चाहूँ तो अपने वीडियो फुटेज में यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे एक ये है, इसको भी मैं चाहूँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी आपको सही लगे उसको डाउनलोड कर लेना। अब ये सब कुछ हमने डाउनलोड कर लिया, मतलब कि हमारी जो कविता है उसमें जो जो लाइनें हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें चाहिए हमने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपको किसी भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में इसको एडिट करना होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको काइनमास्टर के अंदर एडिट करके दिखा दूँ। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 16:9 पे क्लिक करेंगे। पैटर्न सेम होता है हर एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मीडिया पे मैं क्लिक करूँगा। मीडिया पे क्लिक करने के बाद जो मैंने वीडियो फुटेज डाउनलोड किया है उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसे देखिए यहाँ पे हमने डाउनलोड किया था अभी बारिश की एक वीडियो क्लिप, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये बारिश वाली जो वीडियो क्लिप है यहाँ पे आ गए, टिक मार्क कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। ये सब कुछ कर लेने के बाद अब क्या करोगे आप, यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है, ऑडियो पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्डेड का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करना। अगर आपने जो भी वॉइस रिकॉर्ड करी होगी तो वो आपके फ़ोन के फाइल्स में ही रहता है, तो अलग अलग यहाँ पे फाइल्स हैं तो उन्हीं में हमारी जो वॉइस होती है जो हमने अभी रिकॉर्ड करी थी वो भी इसी में रहता है, तो हमें ढूंढना होगा कि वो है कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग का फाइल है, इसमें मैंने पोएम रिकॉर्ड किया था, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही वो प्ले हो जाएगा, आपको सुनाई देगा वो जो आपने कविता रिकॉर्ड करी थी वही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए हमारी पोएम यहाँ पे आ गई, नीचे आ गई, ठीक है। अब जहाँ से जहाँ तक हमारी पोएम है वहाँ तक हमारी वीडियो फुटेज भी होनी चाहिए। अब जैसे ये वीडियो फुटेज छोटी पड़ रही है, ठीक है, तो इसको अगर हम चाहें तो इसी वीडियो फुटेज को बार बार ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल से मीडिया पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे और फिर इसी को एक बार क्लिक कर देंगे। जितनी बार क्लिक करोगे ये उतनी बार ऑटोमेटिक ऐड होते जाएगा, ठीक है, बार बार ऐड होते जा रहा है, देखिए इतने। उसके बाद हमने टिक मार्क कर दिया, मतलब जहाँ तक हमारी कविता रिकॉर्ड है वहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब हम वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे। तो बैकग्राउंड म्यूजिक यूट्यूब लाइब्रेरी से कैसे डाउनलोड करेंगे उसकी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लेना आप, सब समझ में आ जाएगा। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, ऑडियो पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको बैकग्राउंड अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, उसको यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक मान लीजिए कि है, सॉन्ग है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे, नीचे बैकग्राउंड म्यूजिक लग गया। तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो आप लगाओगे नीचे में उसको इस तरीके से सिलेक्ट करना, उसके बाद वॉल्यूम पे क्लिक करना और इसकी वॉल्यूम हम कम रखेंगे, मतलब कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसकी वॉल्यूम हम मतलब कि 10-15% रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। अब क्या करना है, जैसे अब वीडियो हमने प्ले कर दी हमारी अपनी कविता वाली, तो जो जो लाइनें हमने बोली वो लाइनें आ रही हैं। और जब लाइन में मान लीजिए कि जहाँ पे बादल का जिक्र है, बादल के बारे में जो कुछ बोला गया, तो यहाँ पे हम बादल ऐड कर देंगे या फिर जहाँ पर भी जो भी चीज़ें बोली गई हैं वो ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लाइन है और इसमें मैंने किसी चीज़ का नाम, जैसे मैंने बादल के बारे में कुछ बोला है, तो हम यहाँ पे बादल ऐड कर देंगे, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो बादल ऐड करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, अब जैसे मैंने बादल डाउनलोड किया था, बादल का जो जिप फाइल, तो बादल पे मैंने क्लिक किया। अब इसको मुझे अगर ऐड करना है तो इस तरीके से ड्रैग करके पूरा बड़ा कर सकता हूँ या फिर छोटा कर सकता हूँ, जहाँ पे मन किया वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं बस एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। उसके बाद टिक मार्क कर देंगे, प्ले करेंगे,
तो मान लीजिए कि बादल ऐड हो गया, लेकिन ये जिप फाइल है, यहाँ पे एनिमेट नहीं हो रहा क्योंकि ये काइन मास्टर है, ये इनशॉर्ट में एनिमेट होगा वहाँ पे मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, मतलब कि आपके पोएम में जहाँ जहाँ जो भी लाइनें आ रही हैं, कहीं पे पेड़ का जिक्र है, कहीं पे घर का जिक्र है, जैसे मान लीजिए कि अब मैं यहाँ पे रुका हूँ और यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने मेरी कविता में किसी गांव के किसी घर का जिक्र है, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे जो मैंने इमेज डाउनलोड की थी। अब इसको सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, एकदम से फुल स्क्रीन पर लगा दूँगा, ठीक है। अब इसका जिक्र जहाँ से जहाँ तक है, मान लीजिए इतनी दूर तक है, हमने इसको इतनी दूर तक लगा दिया, और इसको और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते, इन एनिमेशन पे क्लिक करके एनिमेशन लगा दिया, ठीक है, या फिर ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अभी इसी वीडियो को मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पर बारिश है, उसके बाद ऑटोमेटिक इस वीडियो में ये गाँव का भी सीन आ गया, ठीक है। फिर ये सीन ख़त्म होगा तो फिर ये वीडियो हमारी उसी तरीके से कंटिन्यू चलती रही होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी कविता में जो जो चीज़ें हैं जिस भी तरह की, उन चीज़ों को आपको इसमें यूज करना होगा, ठीक है। जहाँ पे आपने किसी पौधे के बारे में बताया है, जहाँ पे किसी मछली के बारे में, जहाँ पे किसी बंदर के बारे में, जहाँ पे किसी शेर के बारे में बताया है, तो वो सब कुछ आपको ऐड करने हैं, उसके बाद ही आपकी कविता पूरी तरीके से ऐड होगी, ठीक है। या फिर जो मैंने बादल बारिश की बात की, अगर सिंपल वे में चाहो तो आप सिर्फ इसी क्लिप लगा करके उस पोएम को यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हो और इसी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि हमारी वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे शेयर वाले बटन पर, उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। अब यही पोएम वाली वीडियो आपको इनशॉर्ट में बनानी है, तो इनशॉर्ट ओपन करेंगे, वीडियो पर हम क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जो पोएम वाली वीडियो बनाने, उसके लिए जो भी आपने वीडियो या फिर फोटो डाउनलोड करके रखा होगा, यहाँ पर सब कुछ शो होता है, तो उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये गाँव वाली इमेज थी, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसका जो जो चाहिए आप वन बाई वन, जैसे बादल है, ये है, सब कुछ हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ पे कैनवास पे क्लिक करेंगे, हम 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी रेशियो में मुझे बनानी है हमारी वीडियो, टिक मार्क कर दिया। अब मैं प्ले करूँगा तो इस तरीके से ये चीज़ चल रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है या फिर जो हमने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की थी वो, तो पहले म्यूजिक पर क्लिक करना आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस म्यूजिक प्लस पे क्लिक करना आप, उसके बाद यहाँ पे माई म्यूजिक पे आना आप, उसके बाद आपके फ़ोन की सारी जो भी वॉइस होंगी, मतलब कोई सॉन्ग या फिर जो भी आपने डाउनलोड करके या फिर रिकॉर्ड करके रखा होगा, वो सब यहाँ पे शो होगा। तो आपको देख लेना है कि आपने कहाँ रिकॉर्ड करके रखा था, जो मैंने पोएम रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पे है, इस पर क्लिक करूँगा, यूज पे क्लिक करूँगा, नीचे अप्लाई हो गया, टिक मार्क कर दूँगा। अब सेम चीज़ यहीं पर करेंगे, फिर म्यूजिक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक बैकग्राउंड म्यूजिक अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें बहुत सारे हैं, माई म्यूजिक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन के बैकग्राउंड यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे ये लगाना है, इसमें मैंने क्लिक किया, यूज पे क्लिक किया, बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमारा अप्लाई हो गया। अब हम वीडियो को प्ले करेंगे तो जो जो हमारे ऑडियो में जो जो चीज़ें आ रही होंगी उसको हम सेम टू सेम अपनी वीडियो में अप्लाई करेंगे, जैसा मैंने अभी काइन मास्टर में बताया। जैसे मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ तो इस तरीके से चल रही है, और जो हमने बैकग्राउंड म्यूजिक अभी अप्लाई किया है उसको सेलेक्ट करेंगे, पहले वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और उसका जो 100% वॉल्यूम है उसको हम कम करेंगे, 17% या फिर 10% 15% रखेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है उसकी आवाज़ कम होनी चाहिए हमारे मेन आवाज़ से, मतलब कि मेन जो हमने वॉइस डाला है उससे। अब जैसे देखिए हमारी ये वीडियो चल रही है, अब इस वीडियो में मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे जिप फाइल यूज़ करना है बादल वाला, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे स्टिकर पे क्लिक करना आप, उसके बाद फिर से स्टिकर पे क्लिक करना आप, उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना आप, और जो अभी हमने डाउनलोड किया है ना बादल वाला जीप, उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, उसके बाद इसको ड्रैग करके इस तरीके से खींच करके चाहे तो पूरे स्क्रीन पे लगा सकते हैं या फिर छोटा बड़ा करके जहाँ पे भी लगाना हो वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे लगाना है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, या फिर इसको खींच करके इस तरीके से फुल स्क्रीन पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। अब अगर मैं वीडियो को प्ले करूँ, देखिए हमारा बादल यहाँ पे एनिमेट हो रहा है, चल रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें आपको करनी है। अब इसी वीडियो क्लिप में जहाँ पे भी जिस भी तरह की चीज़ें ऐड करनी हो आप कर सकते हो, या फिर स्टिकर पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। उसके बाद फिर स्टिकर पे क्लिक करना और इसके अंदर यहाँ पे जिप पे क्लिक करना, तो इसके अंदर भी इसका अपना जिप फाइल है। देखिए बहुत सारे यहाँ पे एनिमेटेड क्लिप्स हैं, तो इनमें से भी अगर किसी की भी ज़रूरत हो तो आप यूज कर सकते हो। इधर स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। या फिर सर्च बॉक्स में आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे मुझे इस वीडियो में डॉग चाहिए तो डॉग सर्च किया मैंने, मान लीजिए कि पोएम में हम डॉग, हमारा डॉग भी है, तो देखिए एनिमेशन वाले डॉग्स भी हमें देखने को मिल गए। तो इनमें से जिस टाइप का डॉग का इमेज आपको यूज करना चाहिए, मतलब जिप फाइल जो चाहो आप इसमें से यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे ये यूज करना है, मैंने इसको किया,
ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया। अब यहाँ पे आ जाएंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको इस तरीके से खींच करके भरा है, ये छोटा भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा दिया, टिक मार्क कर दिया। अब मैं प्ले करूँगा तो ये देखिए हमारा डॉगी एनिमेट हो रहा है, ठीक है। और इसको मगर अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से स्क्रॉल करके यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे स्टिकर पे क्लिक करके इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको मैं चाहूँ तो जितनी दूर तक चाहूँ इस तरीके से ड्रैग करके अपनी वीडियो में लगा सकता हूँ, जहाँ तक मेरी मर्जी हो, फिर टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं वीडियो को प्ले करूँ तो हमारी डॉगी देखिए, हमारा डॉगी इतने दूर तक इस वीडियो में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और जब इस तरीके से करने के बाद वीडियो कंप्लीट हो जाए और वाटरमार्क नहीं चाहिए तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और फ्री रिमूव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ऐड आएगा, उस ऐड को आप पूरा देख लेना। पूरा देख लेने के बाद जब वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी वीडियो में इन शॉर्ट का वाटरमार्क नहीं आएगा। अब जैसे देखिए ये ऐड आया, इस ऐड को हमें देख लेना है, देख लेने के बाद ऑटोमेटिक वो वीडियो हमारी फ्री हो जाएगी। इसको मैंने क्लोज पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वाटरमार्क नहीं है, वाटरमार्क हट गया। उसके बाद सिंपल से सेव पे क्लिक करना आप, ठीक है, सेव पे क्लिक करना आप, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। अब ये वीडियो एक्सपोर्ट होगी, 0 से 100% होगा। उसके बाद इसको आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई, जो भी बातें बताई हैं, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।